भाई ऐड हो जा रोहित, कहीं ये सीएमडी का लड़का अरे तो मत आया है? चुप चाप आ गए आ गए आ गए आ गए आ जा भाई तू। ये हाँ ओहो ये तो गलत बात है भाई, ये बंदा सामने और तुमने कैमरा ऑफ कर दिया भाई, ऑन करो कैमरा। अरे भाई ये प्यार आ जाता है किसी का तो शर्म तो आती है ना यार। तो सोहा ना को देखने के लिए रात के 3 बजे इधर अहमदाबाद में और मैं जग रहा हूँ। और अच्छा पनोड़ी अच्छा भाई आप एक्सक्यूज देते हो कि भाई मैं बिजी हूँ, मैं शॉप में बैठा हूँ। क्या यार ये होता है सच्चा प्यार? तो मैं तो पनोड़ी सच्चे भाई, पनोड़ी भाई मैं सोहाना जी को देखने के लिए 299 का 2 GB का रिचार्ज करवाता हूँ और रात को पूरा 2 GB बच जाता है उसको देखने में ही। ये सुहाना से प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ मैं। फिर से बोलो ये लाइन। सो क्यूट मैं लाइव आप बंद हो प्यार गई। करते हो, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज के प्यार की रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ओके प्यार बचा नहीं। आप जैसे लोग हैं दुनिया में जो प्यार को बनाए रखते हैं, प्यार को करार रखा हुआ है, तो आपके प्यार की रिस्पेक्ट करते तो इंडिया अहमदाबाद में हो। हाँ ये बंदी अमेरिका में बैठी है, सुहाना अपना नेटवर्क सही कर लो नहीं तो लाइव बंद हो जाएगी। सोना कॉल पे कॉल पे जल्दी आओ, कॉल मेरे पास सिर्फ 1 GB बचा हुआ है। सॉरी अरे बंदे के, अरे फेस तो दिखाओ यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात मत है। प्लीज टच कर दो फिर कल 12 बजे बाद आएगा 2 GB। ओ नो, मतलब के 2 GB तुम सिर्फ ये सोहाना के लिए बचा के रखते हो? हाँ, क्या दो बात जी बी है, सोहाना क्या से बात करने के लिए बस। बात, क्या बात, क्या बात। बात करने अरे के लिए सामने मैंने तो आ जाओ। तो आज ही आपको ऐड किया है। सोहाना मैडम अरे यार ये सामने तो, आओ। पनोड़ी भाई मैं सोहाना मैडम का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओहो अच्छा, तो अरे यार ये सामने नहीं आ रही है यार। ये सामने आओ सोहाना। अरे ऐसे शर्म आ रही है। नहीं, कैमरा अच्छे से रखो भाई, तुमने ये कैसे ऐसे कैमरा रखा है? अरे मुझे मुंह दिखाओ, आपका मुंह दिखाई। हाँ, बहुत प्यार अब लग बताओ रहे। कि ये मतलब कि ओए कैमरा अच्छे से रख। तमड़ी नहीं है भाई क्या बोलूं इसको मैं, हटाओ भाई पनोड़ी, रख दूसरा ऐसे होता रख तो तू। बोल देते पनोड़ी भाई। नहीं, ऐसे आपकी रख तू, अब भावनाओं को ऐसे ही समझ रख, रहा है ऐसे ही पनोड़ी रख तू। भाई। हाँ ऐसे ही रखो बस, अभी परफेक्ट है। अभी कहाँ जा रहे साले हो? बैठी बैठी काम है यहाँ पे। हाँ तो भाई रोहित भाई बताओ, तुम ये जो तुम्हारे सामने ये जो जल परी है, ये जल परी हाँ के जी लिए तुम क्या कर सकते हो? मैं जल परी के लिए यूएसए जा सकता हूँ, मैं अमेरिका आ अरे सकता हूँ। यूएस, अरे यूएस तो चलो, मतलब तुम आओगे, भगवान करे तुम आओ, बट अभी तुम क्या कर सकते हो इसको इम्प्रेस करने के लिए? यह लड़की है, इम्प्रेस तो करना पड़ेगा ना। अभी तक इसने कहा हाँ बोला है, जो तुम अमेरिका तक दौड़ लगाने के लिए निकल पड़े, पहले इसको पटाओ, हाँ बुलाओ, उसके बाद तुम आओगे ना यूएसए। बट मैं रोज लाई आता रहूंगा मैं सर, ठीक है तो सेटिंग हो जाएगा मेरा। अरे लेकिन अब भी उसको इम्प्रेस करने के लिए तुम गाना गाओगे, डांस करोगे, मतलब क्या करोगे जो तुम उसको इम्प्रेस कर पाओ? हाँ एक गाना गा दो यार, एक गाना गा दो तो समझ में आ जाए थोड़ा सा प्यार का इजहार गाने से। क्या गाना? कुछ भी ठीक है, प्यार का इजहार। मैं गाना हाँ गाता हूँ, मैं हाँ गाना गाता हाँ हूँ हाँ बिल्कुल पनोड़ी बिल्कुल, भाई। हाँ हाँ प्रस्तुत करिए गाओ गाओ गाओ। प्रस्तुत करिए।
गाओ गाओ रोहित भैया, गाना गाओ। अरे तुम्हारा चांद तुम्हारे सामने, अब गाना तो गाओ। अरे तुमको ही देख रही है रोहित भाई, गाना गाओ, गाना गा रहे हैं यार, गाने तो दीजिए, इतने देर से कॉन्फिडेंस लाया था भाई ने, गाओ यार तुम भाई गाओ। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, दूजो मुझे नहीं, मर जाऊंगा मैं सनम, जाने जाने जानम जाने जहां, मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा। बहुत सही, आज तक जितने भी रैंडम लोग आए उसमें भाई ने सबसे अच्छा गाना गाया। और गाओ, आगे गाओ, फिर गाओ यार, बहुत बढ़िया गा रहे हो। से तारों से तेरी मांग भर दूंगा, फिर तू जो नहीं तो ये कुछ भी नहीं है, माना के मैं फिर जुदा हो रही है। अरे उससे बस क्यों गाना खिला रहे हो पनोड़ी भाई, आप भी तो अपना प्यार प्रूव करो, आप भी तो गा के दिखाओ। नहीं नहीं भाई, मेरा तो पत्ता कट क्या, वो बंदे को अभी कोई नहीं जानता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्यार की परीक्षा में फेम आएगा बीच में। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने रोहित की पर्सनालिटी देखकर, रोहित का प्यार देखकर भाई मैंने अपना फॉर्म वापिस खींच लिया। पनोड़ी भाई, पनोड़ी भाई, मैं आपका 500 फॉलोवर्स थे ना तब का आपको फॉलो करता हूँ। ये सोहाना मैडम बाद में आए, सोहाना मैडम लाइन में आए। तेरा प्यार है, पहले तुझे प्यार करते मैं बाद में। अच्छा, ये सोहाना को अगर तुमसे प्यार प्यार से बोला, चलो भाई मतलब कि इसका तो नाम सोहाना पूरा नाम है। सोहाना के 200 थे फॉलोवर्स, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, अभी 5,200 या 300 हुए है। अच्छा तो मतलब कि ये सोहाना को अगर तुम्हें कोई प्यारा सा नाम देना हो तो तुम कौन सा नाम दोगे उसको? सोहू, मैं कब से सोहू सोहू बोल रहा हूँ उनको मैसेज में। वाओ सोहू, वाओ बाबा, ले लो मजे, ले लो आप भी ले लो आज मजे। नहीं यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम देखो यार, तुम पनोड़ी भाई से भी प्यार करते हो, सुहाना से भी प्यार करते हो, और तुम एमडी ये पिज्जा बर्गर वाली जॉब करते हो, तुम एक काम करते हैं, पनोड़ी भाई और सुहाना की शादी करवा देते हैं, और तुम इनके घर में चौकीदार की जॉब कर लेना, तो तुम तीनों मिलके एक साथ रह सकते हो। नहीं, सुहाना सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है। पनोड़ी भाई को तो हटाना पड़ेगा ना यार तुम्हें। हटा, ओह माय गॉड। अरे भाई नीचे कमेंट तो देखो, रोहू वर्सेस सोहू, क्या बात है। रोहू वर्सेस सोहू आ रहा है यार नीचे, लोग कपल गोल्स लिखने लगे हैं यार। ओह बाप रे। अच्छा तो भाई मतलब के देखो भाई, ये हमारी सुहाना है, वो तो मतलब बहुत ही नाजो से पली बड़ी है ना, अरे हमारी मतलब के हमारे इंस्टाग्राम की भाई, ये बहुत नाजो से पली बड़ी है, मतलब इसको सुबह उठते ही, आजकल तो वो कौन सी पनोड़ी भाई के साथ रहोगी ना तो पनोड़ी भाई द्रौपदी बना देंगे तुमको। हाँ भाई, आजकल तो सुनो, अरे मैं बोल रहा हूँ बोलने देगी भाई, देखो आजकल ये सुहाना मतलब के सुबह में वो ब्लूबेरी टी, पता नहीं कोई नई टी ये लेके आई है भाई, सुबह में हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी टी, दोपहर में हेल्दी लंच डिनर, फिर रात को महंगी से महंगी शराब पीना, भाई ऐसे शौक है इसके, तो ये सारे शौक तुम कैसे पूरे करोगे इसके बताओ? सर तुम तो यार मतलब के वहाँ पिज्जा बर्गर में काम करते हो यार, मैकडोनल्ड्स में तुम काम करते हो। सर लेकिन मैं मेहनत से आगे आऊंगा और उनको मिलने आऊंगा स्पेशल, उनको मैं खुद भूखा रहूंगा, उनको मैं अच्छा से अच्छा खिलाऊंगा। वाह यार वाह, गजब, मानना पड़ेगा यार, रिस्पेक्ट है यार भाई की यार।
मतलब यार तुम एक बात बताओ, तुम लाइव में फन के लिए बोल रहे हो कि तुम वाकई सच में प्यार करते हो? नहीं, मैं सच में प्यार करता हूँ। उनके 200 फॉलोवर्स थे सोहू के, तब से मैं उनको फॉलो करता आया हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, सुनो, तुम अपने हाथ में एक कट मार के दिखाओ भाई। ये तो ये बात हो गई कि यार मतलब 200 फॉलोवर थे, तुमने फॉलो कर लिया और प्यार। अरे मतलब देखो, आशिक होता है ना आशिक, वो हजारों की भीड़ में अलग दिखता है। बात को समझा करो। ओके ठीक है, लेकिन तुम में ऐसा कोई अलगपन मुझे दिख नहीं रहा। अभी तुम मतलब अहमदाबाद में तुम्हारी 4-5 फ्रेंचाइजी होती, मतलब गुजरात में तुम 15-20 तुम्हारे स्टोर होते, तो कुछ आगे बात बढ़ सकती थी। तो मतलब ऐसा कुछ, मतलब क्या टैलेंट क्या है तुम में? कौन सा ऐसा टैलेंट है जो तुम ये सोहाना को अपनी बना सकते हो? भाई इसके पीछे तो हजारों दीवाने घूमते हैं। भाई लड़की लिकर स्टोर की मालिक है, कन्वीनियंस स्टोर की मालिक है, इसके पीछे तो हजार आशिक इसके पीछे पड़े हैं। तो भाई ये तुमको क्यों भाव दे? नहीं यार देखो पनोड़ी भाई, आप प्यार को इस तरीके से नहीं देख सकते हो। अभी आप जैसे भाई से बोलोगे ना, वो हाथ काटेगा अभी सुहाना के लिए, और लाइव में सबके सामने हाथ काट के दिखाएगा। प्यार पैसा नहीं देखता पनोड़ी भाई। हाँ प्यार कोई कुछ देखता नहीं है, प्यार देखता है सैक्रिफाइस यार। भाई सुनो 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 सुनो, ये लोगों का काम तो ऐसे ही है। एक प्यार करने वाले आशिक पे ना हंसती है दुनिया। भाई कुछ हो तुम्हारे पास चाकू वाकू तो हाथ काट दो यार, थोड़ा सा खून दिखाओ इनको। नहीं उनको मिलने के बाद, उनको मिलने नहीं के यार, बाद यार, लाइव में यार थोड़ा तो दिखा दो यार। पहले एक बार तुम यार खून दिखाओगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा यार। भाई अभी सीरियसनेस कोई नहीं समझ रहा तुम्हारे प्यार की, मेरे अलावा। भाई खून नहीं दिखा तो, सकता तो तुम एक काम करो, दीवार में सिर टकराओ ना यार, दीवार पे सिर टकराओ, सिर को मारो दीवार पे, तो थोड़ा सा समझ तो आए यार। उतना पागल वाला नहीं है प्यार, मैं उनसे मिलने के बाद कुछ भी कर सकता हूँ यार। ये गलत है यार, मामा वहां पे बेंच हो, हमको मामा वहां पे छाती काट काट के पागल हो गए हो तुम। जो वो पाकिस्तान को 4 बच्चे छोड़कर इधर आ रही है ग्रेटर नोएडा में वो सचिन को मिलने के लिए, तो मैं अहमदाबाद से सोहू को मिलने के लिए यूएसए नहीं जा सकता क्या? हाँ तुम तो पबजी में भी नहीं मिले हो, तुम तो इंस्टाग्राम में मिले हो। हाँ तुम यार 4 बच्चे बोल दिए तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? नहीं मैं सिंगल हूँ। पनोड़ी की तरह रंडवा है। हाँ रंडवा हूँ, रंडवा नहीं हूँ मैं, रंडी हूँ मैं, रंडवा मत बोल। क्या वाह पनोड़ी भाई वाह, मजा आ गया तो। मतलब यार देखो बुरा मत मानना, लेकिन तुम यार एक गरीब हो और मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हें भाव देगी भाई। देगी, इसके पीछे देगी, मुझे यकीन है। तो अभी तक तुमने कितने डीएम किए इसको, सच बताओ? मैंने 10-15 डीएम कर दिए है, एक भी रिप्लाई नहीं आया उसका। मैंने देखे ही नहीं। अरे 10-15 डीएम कर दिए है मैंने, बोल तो रही मुझे पता ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं है। देखो देखो अभी ये आप, ये क्या शॉप है सोहाना मैडम आपकी, किसकी शॉप है ये? अच्छा बच्चों के बारे में कुछ सोचा है तुमने? आगे टू मच नाउ, टू मच। वो तो नहीं, वो सुहाना मैडम को बुरा लगता है, देखो फिर मैं क्या बोलूं अभी। अच्छा मतलब तुमने क्या क्या सपने देख रखे इसके साथ, सच बता पनोड़ी भाई, सच बता। बहुत सारे। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे घर में, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, भाई आर्मी में है मेरा। अच्छा अच्छा, भाई एक बात बताओ, मम्मी तुम्हारी है क्या? मम्मी जाग रही है तुम्हारी की सो गई? वो तो सो गई है, उसको पता नहीं है। से बात कराओ मम्मी की, मम्मी की बहू से बात कराओ। मम्मी को पता नहीं है, मैं 3:30 बजे सोहाना से बात कर रहा हूँ। मम्मी को नहीं पता है?
आप मेरे साथ नहीं पता नहीं पता उसको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और तुम सुहाना मत बोलो, तुम्हारे मुंह से सोहू ज्यादा अच्छा लगता है, सुहाना तो हम लोगों के लिए है। अच्छा अच्छा, मतलब यार देखो रोहित भाई, क्या क्या पढ़ते क्या हो तो? मैंने तो ये ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया है। अरे यार तुम तो बहुत छोटे हो। आपकी एज क्या है? मेरी एज 36 है। 36 हम बता दे थोड़ा सा। अरे साले तू 36 का है और अभी तेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ? नहीं, ग्रेजुएशन तो कब का खत्म हो गया है, 2014 का खत्म हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो मैं मैकडोनल्ड्स में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो मंथली तुम कितना कमाते हो रोहित भैया? अभी मंथली मेरी 15,000 सैलरी है। वाओ। अच्छा, और 15,000 का तुम्हारा घर? अरे बहू को अपना घर तो दिखाओ, तुम तो कब से एक ही जगह पे बैठे हुए हो। अभी वो सुहाना ने जो कुत्ता पकड़ा था ना, सुहाना ने जो कुत्ता पकड़ा था ना, पर वो भी साला 15,000 के ऊपर का खाना खा जाता है। हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं भैया, मैं रोहित भाई अपना घर दिखाओ। दिखाता हूँ, चलो। बेडरूम जरूर दिखाना। बेडरूम में ही है ना भाई? अभी तो बहुत बड़ा बेडरूम है भाई। क्या बात कर रहे हो, 10 जने आ जाए उतना बेडरूम है। प्रॉपर अहमदाबाद के हो तुम कि कोई गांव हाउस से हो अहमदाबाद के आसपास? नहीं, प्रॉपर अहमदाबाद का ही हूँ। तो भाई उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ही कितनी होगी? अरे बहुत बड़ा है यार ये तो। अरे माँ की यहाँ सुहाना इतना ध्यान से देख रही है यार, बेडरूम बेडरूम यार, मतलब ये बेडरूम में सीरियस फ्रीजर कौन रखता है भाई? ये लैपटॉप है, ये बैग में लैपटॉप है मेरा। अबे साले वो फ्रिज को बोल रहे हैं, फ्रिज फ्रिज फ्रीजर जो रखा है ना वो बाजू में, उसकी बात कर रही है। हाँ, गोदरेज का फ्रिज। अच्छा, अपने फ्रिज खोल के दिखाओ कौन कौन से कोल्ड ड्रिंक्स रखे है तुमने अंदर। अरे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होते, आलू प्याज रखा होगा। अरे नहीं नहीं बाबा, देखो भाई, मम्मी ने कौन सी सब्जी बनाई थी बेटा आज रात को? रखा है कोल्ड ड्रिंक यार, मेरे फ्रिज में भी नहीं है कोल्ड ड्रिंक। तो 40 रुपए वाला बिंग रखा है, स्टिंग रखा है। अरे बाप रे, एनर्जी ड्रिंक पीता, एनर्जी ड्रिंक के पनोड़ी भाई। नहीं 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 नहीं, ये सस्ता रेड बुल है, सस्ता रेड बुल। अच्छा अच्छा, बेटा मम्मी ने कौन सी सब्जी बनाई थी दिखाओ हमारी बहू रानी को। बताता हूँ रुको। हाँ दिखाओ, किचन में जाओ रोहित भाई। यार तुम देख लो, तुम्हें यहाँ पे जाना है, देखो ये तुम्हारा पूरा किचन का सेटअप। ओहो, गैस तो नहीं, बहुत नहीं, अच्छा। मैं इलेक्ट्रिक चूल्हा वो दूंगा यार दहेज में। ये क्या भाई, इतना क्या बनाया था मम्मी ने? ये चावल था, खिचड़ी बोलते हैं गुजराती में। दिखाओ दिखाओ मुझे, दिखाओ यार मेरे को देखना है यार। खिचड़ी दिखाओ। बनाना नहीं आता? हाँ, सीखना पड़ेगा, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। वाओ, अरे कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगा। अच्छा यार, दोस्त बहुत बढ़िया दोस्त। नहीं पर अच्छा है यार, ये रोहित भाई दिल का बहुत साफ इंसान है। जय लक्ष्मी माता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब कि तुम्हारे घर में वो मिनरल वाटर का प्लान लगा हुआ है तुम्हारे घर में? नहीं, हमारे पाइप, हमारे अहमदाबाद में पाइपलाइन में नर्मदा का पानी आता है, वो क्लीन ही आता है, नीट एंड क्लीन ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मिनरल वाटर की यहाँ पे बर्तन मांजोगी सुहाना? बर्तन मांजने का स्पॉट देख लो अपना। अच्छा, लाइफ बॉय से मांजते हो क्या यार बर्तन? अच्छा, ये हाथ कितना खूबसूरत है, देखो भाई, भाई मटका निकाल वो पानी का। वाव, अरे बहुत सुंदर। और ये लाइफ बॉय से कौन बर्तन मांजता है यार? ये हैंड वॉश करने के लिए, बर्तन मांजने के बाद हैंड वॉश है। अच्छा 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 अच्छा, वाव, हाइजीन लेवल भी मेंटेन किया जा रहा है इस पूरे घर में। अच्छा भाई, नहीं लड़का तो मतलब के लड़का अच्छा तो ठीक ठाक है, मतलब लड़का दिल से, मतलब सारी चीजें देखो भाई, ये अगर रात को तुम्हें भूख लगे ना तो ये चखना बखना भी इसने रखा हुआ है, देखो सब रखा है। हाँ, ये तुम्हारे लिए हेल्दी भी रहेगा सुहाना, सोहू, सॉरी सुहाना बोल रहा था। ओहो, देखो, सोहू, ये तुम्हारे लिए हेल्दी। ओनियन रिंग्स अरे इसके पास तो साले
बचपन में भी मुझे ये देते थे तो मैं फेंक देता। ये भट्टा क्यों दिखा रहा है, बैगन क्यों दिखा रहा है साले, इसको रख नीचे गंदा इंसान। साले बैगन वो पागल है क्या? कैसा है, कैसा इंसान है यार, बैगन में दिखाओ कोई दूसरे। टमाटर, टमाटर दिखाओ तुम, तुम अगर अमीर हो तो टमाटर कितने रखे तुम्हारे घर पे? आधी तो लाई के बाद मिल मुझे आज कसम से। मिर्ची दिखा रही है, कैसे कैसी सब्जियां दिखा रही है, गंदी गंदी सब्जियां दिखा रही। अच्छा, टमाटर दिखाओ यार तुम। टमाटर नहीं है इसके घर में, देखो झूठ बोल, देखो टमाटर खत्म नहीं हो गए, टमाटर साले महंगे आ रहे हैं, 140 रुपए किलो आ रहे हैं टमाटर, इसलिए वो नहीं है साले 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए किलो वाला बैगन ला के रखा है घर पे। नहीं नहीं, टमाटर, टमाटर रोज लाते हैं लेकिन खत्म हो गए भाई। अच्छा, ये सोहू के लिए है ये सब, नेल पॉलिश। वाओ, ओ माय गॉड, नेल पॉलिश को फ्रिज में रखा जाता, मुझे आज पता चला। तुमने तो मेकअप का सामान भी खरीद लिया सोहू के लिए। साला मैं तो गांजा पीकर इसके घर घुस जाऊं तो मैं नेल पॉलिश पी जाऊं रात में प्यास। देखो ब्रांड कौन सी ब्रांड है, सुरभि, देखो भाई सुरभि नाम की ब्रांड है बंदे के पास। सब में ऐस देखता है अभी ये बंदा। हाँ रोहित भैया जरा अपना वॉशरूम में जाके दिखाओ, कौन से मतलब कौन सा तुम ये बॉडी वॉश यूज करते हो नहाने के लिए, बॉडी वॉश दिखाओ अपना। मतलब सुहाना तो बहुत ही गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है ना वो, मेरे को तो लगता है ये रीत साबुन से नहाता होगा। अरे नहीं नहीं बाबा, को एक्सपेंसिव बॉडी वॉश होगा उसके पास, गार्नियर बार्नियर का होगा। चालू रखना कह रहा भाई, तेरे को कोई नहीं निकाल रहा है। अच्छा वॉशरूम बाहर है क्या तुम्हारे घर के बाहर निकल के? हाँ हाँ बाहर है, हमको क्या, हम लोग तो देखते रहते हैं शिकार कोई भी मिल जाए। अच्छा वॉशरूम भी अच्छा है, इसको साफ सुथरा को देखने दो। वो डिसाइड करेगा ना बाबा, आप भी देख लो। फेस वॉश, फेस वॉश निकाल के दिखाओ यार थोड़ा सा, क्या है। हाँ भाई कौन सा बॉडी वॉश है? मामा अर्थ का है, मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश, ये नेचुरल है। अरे नहीं नहीं मतलब के वो नहाने के लिए कौन सा साबुन तुम इस्तेमाल करते हो वो दिखाओ। जय बोले की भाई, ओनियन शैम्पू भाई ये शैम्पू मत यूज करना, मेरे बाल की माँ चूक गई थी भाई, ये मत यूज करना, पर तू लगा ले, तेरे तो बाल वैसे भी झड़ गए। ये देखो ये साबुन है, ये ब्रांड का नाम मिट गया है बहनचोद, उसमें जो भी लिखा था नहा लिया है ना भाई उससे ब्रांड के नाम से, तो वो मिट चुका है साला। अरे वो भी लगाया है यार, पानी गर्म करने वाले, इससे पानी गर्म हो जाता है। अच्छा गीजर भी लगाया हुआ है। हाँ यार बहुत सही है तू तो यार, साले ये पूरा आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक चीजें रखा है पूरे घर में। आ जाओ यार दोस्त तुम अपने कमरे में आ जाओ, ये देखो वो सर्फ एक्सल भी रखा है। वाओ वाओ, वाओ। कपड़ों, अरे कपड़े तो इसको ही धोने हैं ना। हाँ हाँ ये सही रखे हो तुम, क्लिनिक प्लस का शैम्पू, एक एक रुपए वाला पाउच, एक निकालो फाड़ो और लगा लो बहनचोद, कौन इतना डब्बा वब्बा खोले। सुहाने ये सही है तुम्हारे लिए, ये रेजर भी रखा है बाल वाल सेव कर। बार बार दिखाएगा क्या? अच्छा। मैं जाता हूँ मेरे रूम में, मैं रूम में जाता हूँ। हाँ हाँ रूम पे आओ, रूम पे आओ। हमारा काय का रूम अब, और तो तुम दोनों का होगा है ना भाई। देखो लड़की मान गई, तुमने बैगन देखा है ना बैगन, तब से ही लड़की मान गई थी। सब सो गए भाई, देखो तुम्हारी सोसाइटी देख लो सुहाना। मैं तो यहाँ पे रहने वाली हूँ, मैं घंटे में वहां जाने वाली। और अब भाई तो यही, तुम्हारे पास कार कौन सी है, कार घूमने के लिए? कार नहीं है अभी भाई के पास, वो दहेज में मिल जाएगी।
कार नहीं है, एक्टिवा है। एक्टिवा है, कोई बात नहीं दोस्त, अच्छा है, अच्छा आदमी। नंबर वंबर मत दिखाओ दोस्त, ऐसे रख गाड़ी का। ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी सो गई है। आ जाओ घर के अंदर आ जाओ दोस्त, मत दिखाओ सोसाइटी। वही सोचो, वही सोचो वो स्कूटी के पीछे तू मर सुहाना दोनों दिल का बहुत साफ। नहीं यार सुहाना, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये बंदा दिल का बहुत साफ इंसान है यार, बेचारा बहुत अच्छा लड़का। बाबा कुछ भी नहीं, मैं देखो यार प्यार की वैल्यू करूँ। देखो पनोड़ी भाई, अगर पनोड़ी भाई क्या है कि एक बात बताओ, एक इंसान आपसे नथनिया लेता था, ये लेता था, बिकवा देता था, और दूसरा इंसान आपके लिए सब न्योछावर कर रहा है यार। तो सुनो, आपने रोहित जी को पूछा कि ये सिंगल है, इसने मुझे तो पूछा नहीं कि मैं सिंगल हूँ या नहीं। तो ऐसा थोड़ी होता है यार, सच्चा प्यार है जी। और रोहित जी मत बोलिए, रोहू बोलिए, रोहू। जब बट आज आपको सोहू बोल रहा है, तीन चार शादियां करते हैं और तीन चार बॉयफ्रेंड रखते हैं। ओहो, बात तो भाई तुमने बहुत ही पते की है, लेकिन यार तुम्हारी मम्मी, लेकिन तुम्हारी मम्मी रोहित इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? मतलब कि ये तो भाई अमेरिकन है, मतलब कि ये तो कपड़े भी ऐसे पहनती है, ये तो भाई अपना दारू बारू सब पीती है, अपना होका बोका सब करती है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया हुआ है कि तेरे को छूट है, जो भी लड़की पसंद हो वो मुझे बोल देना, घर पे लाके बिठा देंगे। अब तो मेरी पसंद हमारी पसंद, तेरी खुशी हमारी खुशी। अच्छा अच्छा हुआ सुहाना ये लाइव को मलाइका होस्ट नहीं कर रही थी। अब तक तो भाई को प्यार खत्म हो जाता, नहीं तो नहीं नहीं मलाइका शायद नीचे ही बैठी हुई है। मैं एक लेकिन काम करता हूँ, मैं नीचे बैठता हूँ, मलाइका को एक बार ऐड करो, फिर मैं बाद में वापस आ जाऊंगा। मलाइका को थोड़ा सा अपने मतलब, लेकिन दूसरी सारी चीजें तो तुम्हारी ठीक ठाक लगी, लेकिन यार तुम्हारी सैलरी बहुत कम है रोहित भाई, 15,000 में तो क्या होता है यार। वो तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना सर, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और मेरा सपना है कि मैं इंडिया के बाहर जाऊं। मलाइका दी इंटरव्यू लेगी इनका, वाह जी वाह, आदी का आई गेट यू सून। मलाइका दी देखिए, आप बैठी थी ना नीचे भाई। ये बंदा जो है ये सुहाना से शादी करना चाहता है, पागलों की तरह प्यार करता है, तो इसने अपना घर भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो अब तुम क्या कहना चाहती हो, मतलब के इसको सिलेक्ट कर ले? ठीक है, मैं आपको ड्राइवर रख लूंगी, 20,000 महीने का दूंगी, आप 15,000 आपको अपने इधर जॉब पे रख लूंगी ना, 20,000 15,000 में गुजारा थोड़ी होगा भाई। अरे नहीं नहीं यार, देखो मलाइका ऐसे बेइज्जती मत करो, सच्चे प्यार की, बेचारा प्यार करता है यार, थोड़ी तो रिस्पेक्ट रख लो। किससे? सुहाना से। हाँ हाँ भाई, यूएस जाओगे दुकान संभालने कि इंडिया में रहोगे? हाँ हाँ जाऊंगा, नहीं यूएस जाऊंगा। अकाउंट में 1 करोड़ है आपके? नहीं 1 करोड़ नहीं है अकाउंट में। तो कैसे जाओगे, टहलते टहलते पानी में? नहीं, वो तो शिद्दत मूवी, वो तैरता तैरता आया था बंदा अपनी बंदी को मिल। मैं पहले मैं यूरोप जाऊंगा, यूरोप से शॉर्टकट लेकर यूएस जाऊंगा, क्योंकि यूएस वाले इंडियन को वीजा नहीं देते, ठीक है? तो मैं पहले यूरोप जाऊंगा और यूरोप वाले को यूएस वाले वीजा दे देते हैं आसानी से, तो मैं यूरोप से जाऊंगा यूएस। अच्छा अच्छा, मतलब कि इसका प्यार इतना उफानों पे है कि ये बंदा कुछ भी कर गुजर जाएगा, मतलब खुद गुजर जाएगा, लेकिन ये करेगा जरूर। ठीक है, तो फिर निकलो, कब निकल रहे हो आप यूरोप के लिए? सुहाना मैडम बोले तब। अरे लेकिन, अरे सुन, ये सुहाना है ना मेरी बचपन की दोस्त है, इसको रात को है ना नींद नहीं आती ना, तो ये नचवाती है किसी ना किसी को। तो तुझे डांस आता है? नहीं, डांस नहीं आता सर। डांस तुझे आता नहीं, पैसे तेरे पास है नहीं,
तेरे पास ना तो फोर व्हीलर है, ठीक है, अब भाई तू ही बता के इतनी खूबसूरत लड़की तेरे से, चल तेरे अंदर चल प्यार करता है ये तो देख, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, ये बात तू मानता है कि नहीं मानता है? मानता ठीक है, तो तू चल चल ऐसी तीन बातें बता दे कि ये बंदी तुझे हाँ बोले, ऐसी तीन बातें बता तेरे बारे में कि ये बंदी है ना तुझे हाँ बोलने पे मजबूर हो जाए, चल तीन बातें बता दे। एक नंबर वन बात है, ठीक है, कि प्यार कभी पैसा नहीं देखता, ठीक है,